हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्ग ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम ईकॉर्ड सिक्योर के मार्ग एट सर्विस और उनके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो ईकॉर्ड सिक्योर के मार्ग एट सर्विस में हम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के लिए रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। इसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कंपनी अपना कोई न्यू ऑफर लॉन्च करना चाहती है और वो ऑफर सभी को शो हो कि आप इतना अमाउंट तक का परचेज करेंगे तो आपको इतने तक का कैशबैक मिलेगा एटसेट्रा। इसी तरह से अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उन सब की एड्स आप रन करना चाहते हैं एटसेट्रा। आइए अब प्रोसेस को समझते हैं। ईकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन करने और सर्विसेज अवेल करने के बाद आपको जो पैनल प्रोवाइड होगा आप उसमें लॉगिन करेंगे। और आप कैसे ईकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन करके सर्विस अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक की हेल्प ले सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड से ईकॉर्ड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां से हम मार्ग एड्स सर्विस पर क्लिक करेंगे, देन मार्ग एड्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपकी एड्स की कंप्लीट रिक्वेस्ट डिटेल्स शो हो जाएंगी कि कितने एड्स आपको अप्रूव हो गए हैं और कितने एड्स रिजेक्ट हो गए हैं और कितने यूजर्स के पास डाउनलोड होकर शो हो रहे हैं और कितने यूजर्स ने उन पर क्लिक किया है, कितने इंप्रेशंस मिले हैं और इन एड्स पर कितनी कॉस्टिंग लगी है। ये सभी डिटेल्स आपको एक ही डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। अब एड्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आप डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड से अप्लाई एड्स पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट न्यू एड्स की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब दी गई डिटेल्स को फिल करेंगे जिसमें पहले है स्टेट, सपोज हम सिलेक्ट करते हैं बिहार, फिर सिटी सिलेक्ट करेंगे, सपोज अफजलपुर सिलेक्ट करते हैं, देन ट्रेड सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा ट्रेड है जिस पर आप ये एड्स लॉन्च करना चाहते हैं, दैट इज फार्मेसी शॉप, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। सपोज हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आप ये एड्स किस पर रन करना चाहते हैं और अगर आपको पर्टिकुलर पिन कोड पर ये ऑफर चलाना है तो आप यहाँ पिन कोड फिल कर देंगे और आप चाहें तो मल्टीपल पिन कोड्स भी फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ शो हो जाएगा कि बिहार में अफजलपुर के अंदर इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इतने रिटेलर्स हैं। इस तरह से आप पूरा डेटा यहाँ देख सकते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद एड डिटेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने एड्स की डिटेल्स फिल करेंगे जो एड्स आपको मार्ग ईआरपी में रन करनी है। सबसे पहले नेम में आप अपने एड्स का नाम मेंशन करेंगे, फिर है यूआरएल, यहां आप एड्स का यूआरएल मेंशन करेंगे, फिर है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यहां आप मेंशन करेंगे कि आप एड्स को कब से कब तक की डेट तक रन करना चाहते हैं, फिर है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज आपके स्टार्ट एंड एंड डेट के बेस पर ऑटो फिल हो जाएगा और अगर आप नंबर ऑफ डेज फिल करेंगे तो नंबर ऑफ डेज के बेस पर स्टार्ट एंड एंड डेज फिल हो जाएंगे। फिर है प्लेटफॉर्म, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि एड्स आपको किस प्लेटफॉर्म पर रन करनी है जैसे कि मार्ग ईआरपी। फिर है प्लेसमेंट, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जो एड्स रन कर रहे हैं वो आपको मार्ग के किस पोजीशन पर रन करनी है, दैट इज सेंटर में रन करनी है या साइड स्क्रीन पर। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्ग में एड्स की दो पोजीशंस होती हैं, एक होम स्क्रीन के सेंटर में और दूसरे होम स्क्रीन के राइट साइड पर। इसके बाद है एड्स इमेज, अगर आपके पास एड्स की इमेजेस हैं तो आप ड्रॉप डाउन से यस सिलेक्ट करेंगे और इमेज अपलोड कर देंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लेंगे। नो के केस में मार्क टीम आपसे कनेक्ट करके इमेज रेडी कर देंगी और फिर आपके एड्स रन कर देंगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, आप यहां अपने बजट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल सबमिट होने के बाद आपको माय एड्स में शो हो जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट मार्क टीम के पास अप्रूवल प्रोसेस के लिए पहुंच जाएगी। मार्क एड्स में आपको सभी एड्स शो हो जाएंगी कि इतने एड्स आपने रन करे हैं, एड्स का नेम क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, सेंटर या राइट साइड, एड्स का क्या स्टेटस है, अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, एटसेट्रा। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट आइकन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि आप एडिट बटन का यूज तब तक कर सकते हैं जब तक वो एड्स पेंडिंग है, अप्रूवल के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पर, जिसमें सबसे पहले है एड्स रिपोर्ट। यहाँ से आप अपनी एड्स की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपकी ये एड्स कितनी जगह डाउनलोड की गई है, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्लिक्स हैं पर एड पर एटसेट्रा। और आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि ये एड्स कहाँ डाउनलोड हुए हैं, लाइक स्टेट, सिटी, पिन कोड। और आप इस डेटा को मैप व्यू में भी देख सकते हैं और इसका रॉ डेटा भी ले सकते हैं। फिर है पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट, इसमें आप अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपका अमाउंट कब और किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डिडक्ट हुआ है एटसेट्रा। तो इस तरह से आप मार्ग एड सर्विस अवेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।